आई हैपन टू ओपन द डोर और जब दरवाजा खोला मैं एक आदमी यूं खड़ा होकर सो रहा है सो रहा है मतलब ये कब से आपके दर पे पड़े हुए थे आपने दरवाजा खोला ही आपकी चित्रा जी गजब कर दी वीकनेस का नाम अम्मा जी क्यों था ये जरा मैं जरा इसकी तफसील अम्मा जी क्यों था भाई सब ऐसा है कि औरत में जो अम्मा का रूप है ना जी सबसे बड़ा आदमी जी और जितना अम्मा से प्यार मिलता है जी और किसी से मिलता नहीं जी तो बेस्ट है कि हर औरत को अम्मा ही बोला जाए चाहे वो बेबी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे कोई जगजीत साहब आपके घर में किसी और को भी गायकी से कोई ताल्लुक था या गाने बजाने का शौक था शौक तो तकरीबन सबको है घर में और थोड़ा बहुत सब गा भी लेते हैं लेकिन सीरियसली किसी ने लिया नहीं बट आपके वालदैन में किसी को ये शौक नहीं, नहीं हमारे तो डैडी गवर्नमेंट सर्वेंट थे और दिलरुबा बजाते थे अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट थे PWD में थे तो खाली वक्त पे शौक पूरा करते थे तो वो जो उनका अधूरा रह गया ना वो उन्होंने सोचा मैं ये सोचता हूँ कि इसमें पूरा किया जाए बच्चे को सिखाया जाए जगजीत साहब जो हैं गज़ल के माहिर गायक हैं और गज़ल में जिस तरह हम जानते हैं कि भाई दो मिसरे हों तब जाके शेर बराबर बाकायदा होता है तो मैं दूसरे मिसरे को जो है ज़्यादा देर से ना बुलाऊँ मैं फ़ौरन ही दावत दूँ चित्रा जी को आपकी और जगजीत जी की मुलाकात कब से है मतलब पहले सबसे पहले आप कब आपने इनको देखा या इन्होंने आपको देखा पहले मैंने इनको देखा अच्छा मैंने इनको देखा और ये जानते नहीं थे कि मैं देख रही हूँ चुप चुप के देख अच्छा 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 नहीं चुप चुप के मतलब ये है दैट ही वाज सिंगिंग हमारे नेबर्स के घर में जी गाना गा रहे थे जी तो गाते गाते उठ के जनाब थोड़ा बैल्कनी में आए थे तो मैं अपने बैल्कनी में खड़ी होके थोड़ी सुन रही थी गाना उनके घर पे जो चल रहा था तो ये उठ के आए तो मैंने देखा एक बड़ा टाइट पैंट टाइट एकदम फटने वाले जो जमाने का स्टाइल था वाइट पैंट्स वाइट शर्ट एक आदमी आया बैल्कनी में थोड़ा घूम के चला गया द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज टोल्ड कि एक लड़का आया है बड़ा अच्छा गाता है क्या आवाज़ है ये है वो है लेकिन मैंने उस वक्त नहीं देखा क्योंकि मैं इधर उधर नहीं देखता था तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे वो टेप सुनाया गया जो रात को ये गा रहे थे क्या आवाज़ है मैंने सुना मैंने कहा तो भाई ये कोई आवाज़ है बोले ये कोई आवाज़ है इनका ये था काफ़ी बाद में आफ्टर आई थिंक 2-3 ईयर्स एक गाने के रिहर्सल के सिलसिले में पहली बार मुलाकात हुई तो नाम जैसे कि हमें बताया गया कि एक नया सिंगर है वो आने वाला है उसका नाम है जगजीत सिंह देन द पेनी फेल यू नो आई सेड ओके ये बालकनी में चक्कर लगा रहे थे वो देन ही केम एंड आई हैपन टू ओपन द डोर और जब दरवाज़ा खोला मैं एक आदमी यूं खड़ा होकर सो रहा है सो रहा है मतलब ये कब से आपके दर पे पड़े हुए थे आपने दरवाजा खोला ही आपकी चित्रा जी गजब कर दी मैं हॉस्टल में रहता था उन दिनों में उसका नाम भी शेर पंजाब हॉस्टल था तो अगरी पड़ा है एक जगह जी हाँ जी मैं बहुत करीब रहता था वहाँ तो वहाँ हम जब किसी लड़की को देखते थे नंबर देते थे अच्छा 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 जहाँ सब बैचलर रहते थे वहाँ की खुराक में बड़ी तासीर तो इनको हमने 10 में से 9 नंबर दिए एक नंबर काटा क्यों ये पूछे नहीं 10 में से 10 तो देने नहीं चाहिए किसी को कुछ ना कुछ चाहे वो डिजर्विंग हो हाँ हाथ में रखना चाहिए दैट्स अ पंजाबी थ्योरी किसी को पूरी तारीफ नहीं करो किसी की वो एक नंबर की वजह से हम अभी तक झेल रहे हैं उन दिनों में आपसे भी मुलाकात हो चुकी जी हाँ जी हाँ तो जिंगल वगैरह बहुत होते थे जी हाँ जी हाँ नया नया विविध भारती शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिकॉर्डिंग में ये भी जिंगल गाती थी हम भी गाते थे कहीं ना कहीं मिल जाते थे और एक बार मिलना शुरू हो जाए फिर तो आगे पंजाबी रास्ता निकाल ही लेता है कोई ना कोई ये सब शेरे पंजाब की खुराक जो है ना ये तरह तरह से असर दिख जाती है तो देन ही
देन जो है शेरे पंजाब का सब पराठा वराठा खा के जगजीत जी मेरे घर पे आके खाना खाता था। फिर तो इनका बंगाली मच्छी भी खाना शुरू कर दी। जी जी जी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। और ओवर ईटिंग हो जाती थी कई बार, क्योंकि वहाँ खा के आते थे। फिर नहीं, इनका हाथ बड़ा अच्छा है खाने में। खाने में भी कहीं तो तारीफ की। खाने में बहुत अच्छा। अच्छा, खाने में कितने नंबर दिए आपने इनको? 10 के 10। 10 के 10 जी। स्पोकन लाइक अ ट्रू पंजाबी चित्रा जी। चलो, इसी इसी सिलसिले की कड़ी जो है आपके भाई साहब भी हैं। हाँ, करतार साहब। जगजीत साहब कह रहे थे कि आप भी गाने वाने का थोड़ा बहुत शौक तो रखते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? हाँ जी। मतलब जगजीत साहब से थोड़ा या जगजीत साहब से ज्यादा? इनसे थोड़ा। इनसे थोड़ा कम। जगजीत साहब जो है आपके घर में, जब आपको याद होगा बचपन में जो है गाना वाना गाया करते थे, ये तो मतलब आपका ऐसा था बड़ा भाई इतना अच्छा गाता है, चलो मैं भी कोशिश करके देखता हूँ? नहीं, उन दिनों में इतनी समझ नहीं थी जी, बहुत छोटा था मैं, गाने वाने की इतनी समझ नहीं थी, पर अच्छा लगता था। आर यू थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप सिंगिंग मोर सीरियसली? नहीं, अब सुनने में ज़्यादा मजा आता है। जगजीत साहब को सुनने वाले में जाएंगे, सब गाने लग जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो कभी कभी आपको इनको भी सुन लेना चाहिए। हाँ, आपसे गाते ही रहेंगे तो। इनसे सुनते हैं, सीखते हैं। अच्छा, और कुछ? चित्रा जी को तो सुनते ही होंगे। इनको तो सुबह 6-7 बजे सुनना शुरू करते हैं, रात को 12 बजे तक। और को खूब सुर में होता है, सुर बदलता है। और इतनी कभी कवाली, कभी ख्याल, कभी ठुमरी, तरह तरह के राग रागनी के दरबार है, तरह तरह के। गजल गायकी जो है या इस किस्म का सीरियस गाना जो है वो बगैर ट्रेनिंग के, बगैर रियाज के और बड़ी लगन और तपस्या के मुमकिन नहीं। जमाल खान साहब से आपने बाकायदा ट्रेनिंग? हाँ, बाकायदा। वो घर पे आते थे और 2-3 घंटे हम बैठते थे उनके साथ, और संडे वाले दिन तो सारा दिन बैठते थे कई बार। और उसके बाद फिर मैं जब डीएवी कॉलेज चला गया था, जलंधर हॉस्टल में था, फिर छुट्टियों में जब आता था तो 2-2-3-3 महीने कंटिन्यूसली खान साहब के रियाज। हाँ, रियाज। खान साहब, खान साहब से जुड़ी हुई एक शख्सियत को मैं दावत देना चाहता हूँ। अरे यासीन भाई। अच्छा, जिस तरह जगजीत साहब मिले यासीन खान साहब से, मैं चाहता हूँ जगजीत साहब ही इनका परिचय भी दें। यासीन वैसे मेरी उम्र के ही हैं, समझिए 1-2 साल बड़े होंगे। 16 महीने छोटा हूँ इनसे। 16 महीने छोटे हो? गिन के पूरे होने नहीं, दिन भी याद होंगे सर। हाँ जी, दिन तो भी। मैं इनके वालिद से गाना सीखा है मैंने, और ये भी खुद भी गाते हैं बहुत अच्छा। यासीन साहब, आप और जगजीत साहब एक साथ सीखा करते थे खान साहब से? नहीं सर, मुझे तो शौक ही नहीं था, और मेरे डैडी मुझे बहुत डांटते थे, कहते थे ये नालायक है, ये गाना नहीं सीखना चाहता। और इनको शौक तो था ही, लेकिन इनके वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक था। जी, तो बस उन्हीं की दुआएं हैं, उन्हीं की मेहरबानी। लेकिन हम बहुत बैठते थे साथ में, बैठते साथ बहुत रहते थे। मैं हलवा खाने जाता था इनके घर, मूँग की दाल का हलवा बनता था, तो मैं भी सवेरे भाग लेता था कि हलवा खा के आऊँगा। तो वो जब सिखाते थे तो मुझे भी याद हो जाता था। कई बार शाम को जो हम घर से निकलते थे, हमारी मदर कहती थी कि ये सामान लेके आओ जाओ, तो साइकिल पे हम जाते थे, तो सामान की लिस्ट थी, उसमें समझो 30 रुपए का सामान है, तो उसमें से किसी न किसी तरह झोलझाल करके 5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए बचा ले। तो वो एक दुकान थी वहाँ पे, गुलाब जामुन बड़े अच्छे बनते थे। जी जी जी। तो हम दोनों बैठे गुलाब जामुन खाते थे। अच्छा, उस दौरान के आपके एक दोस्त है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस पर्दे पर। ऐसा जगजीत जिसका नाम आज दुनिया में है, और जहाँ पे आपका नाम आता है मेरा सिर भी ऊँचा हो जाता है, क्योंकि वो दिन मुझे याद हैं बचपन के, मेरे आप बड़े भाई के जब मित्र थे, उसके बाद पारिवारिक मेंबर बने, तो आज वही मेंबर बड़े भाई के समान मेरा भाई है। मुझे वो भी दिन याद है आपके, जो ड्रामा मंच पर चलता था अम्मा जी, मुझे वो भी क्रिकेट का मैदान याद है आपके लिए। मेरा ख्याल लोगों को इन बातों का नहीं पता। आप जानते हैं? जी हाँ जी, इकबाल सिंह जी को वैसे भी, इकबाल सिंह जी थे मेंबर पार्लियामेंट, हैं अभी भी हैं शायद जी, जी। और मेरे से जूनियर थे कॉलेज में, अपने कॉलेज में मैं इनको लेके आया था, ये खालसा कॉलेज में थे जलंधर में, तो मैं इनको डीवी कॉलेज में लेके आया, क्योंकि ये तबला बजाते थे।
अच्छा, ताकि हमारी टीम बन जाएगी फिर। और वो जो अम्मा जी का नाम लिया ना, वो तो ड्रामा था उनका गर्ल्स कॉलेज का जी, तो उसमें जो हीरोइन थी यार वो अभी यहाँ जैसा जी, मतलब जरा सा आप सुनना मजी, हम माफ़ी के साथ हम अर्ज करते हैं जी, मैंने माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांग ली ना, तो वो हमारी वीकनेस थी थोड़ी सी, वो रेफरेंस वही दे रहे हैं जी 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 जी, बाकी आगे समझ जाइए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वीकनेस का नाम अम्मा जी क्यों था, ये जरा मैं जरा इसकी तफसील जरा, अम्मा जी क्यों था भाई सब? ऐसा है कि औरत में जो अम्मा का रूप है ना जी, सबसे बड़ा रूप है जी, और जितना अम्मा से प्यार मिलता है जी और किसी से मिलता नहीं जी, तो बेस्ट है कि हर औरत को अम्मा ही बोला जाए, चाहे वो बेबी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे कोई। सर होते 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 फिर आप जो है बंबई पहुंचे 19 मार्च 1965 को, पठानकोट एक्सप्रेस एक गाड़ी है जी, 3 दिन में पहुंचती है जी। उसमें गाड़ी में बैठा मैं जी, और गाते गाते यहाँ पहुंच गए और तानपुरे बाजे लेके सीधा बम्बई आ गया था। फिर हमने वर्ली में एक रूम लिया भाड़े पे, किराए पे लिया, लेकिन आधा आधा, एक आदमी और था और एक मैं, दो बेड थे। वहाँ थोड़े दिन रुके, तो एक दिन रात को वापस आए तो हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने ढूंढा अपने पार्टनर को, तो वो 10:30 बजे खाना वाना खा के आ रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, तुम मेरा सामान क्यों बाहर है? बोलता मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरा भी बाहर है, मैं भी निकल गया हूँ, क्योंकि वो खुद भाड़े वाला था, उसने आगे मेरे को भाड़े पर रखा, मालिक कोई और था। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर रात को हम फिर ये शेर पंजाब हॉस्टल आया ना काम, फिर सीधे हम गए शेर पंजाब हॉस्टल में, और वहाँ पे क्या है, एक रूम होता है बड़ा सारा, और बाथरूम ये नहाने के लिए अंदर है, लेकिन टॉयलेट बाहर है जी, कॉमन जी, और 4 कॉर्नर हैं तो 4 बेड हैं, और एक बेड का जो भाड़ा है वो 3500 रुपये पर महीना उस जमाने में था, उस जमाने में। तो वो हमने ले लिए, एक एक बेड कॉर्नर उसको मिल गया, एक मर मिल गया, फिर वो भी कहीं चला गया नौकरी वोकरी करता था, हम वहाँ टिके रहे 2-3 साल। और वहाँ फैसिलिटी इतनी थी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से आवाज़ लगाओ, अरे 2 कप चाय भेज, ए 2 मिनट में चाय आ गया, एक थाली भेज, थाली आ गई। मतलब आप ये सोचिए कि ताज में ज़्यादा देर लगेगी सर्विस में, वो शेर पंजाब वाला जल्दी फटाफट आएगा, फास्टेस्ट रूम सर्विस, सुबह से सब कुछ बना के रखा हुआ है, जैसे आवाज़ आई माला ऊपर लेके आ गया। तो आपका गुजर बसर कैसे होता था? हरदमन लड़का था एक, हरदमन सिंह भोगल, लुधियाने में, एक्चुअली उसी का हाथ है मुझे बॉम्बे भेजने का, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा होता, तो बॉम्बे जा बॉम्बे जा बॉम्बे जा। तो जब पैसे खत्म होने लगे, फिर मैंने उसको, भाई मैं बॉम्बे तो आ गया, वहाँ पर क्या करूँ, वापस आऊँ क्या? कहता नहीं तो इधर ही रहे। तो उसने मुझे कुछ 6-7 महीने 200 रुपया महीना वहाँ से भेजता था मुझे, और फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया, जंगल शुरू हो गए जी, कुछ प्रोग्राम शुरू हो गए, बॉम्बे में कुछ इंट्रोडक्शंस मिल गई, एक बैरीज रेस्टोरेंट था जी, वहाँ पे, हाँ वहाँ वहाँ एक लड़का काम करता था, उसने एक सर्कल में हमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जितनी रात को पार्टी होती थी, जगजीत सिंह बहुत बिजी हो गया रात को, हर पार्टी में खाना फ्री हो गया, हाँ जी गाना वाना गाओ, ऊपर से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे कर। और उन दिनों में मैं 3-पीस सूट सिलवाया मैंने, उन दिनों में 3-पीस सूट पहन के रोज उसको प्रेस अपने आप करके 3-पीस में गाता था बैठ के। और मुझे याद है कि आप सेंट जेवियर्स कॉलेज भी आया करते थे। हाँ वहाँ, हाँ हाँ सेंट जेवियर में तो काफ़ी, वहाँ आने का मतलब था ये कि एक तो वहाँ श्रुति मंडल करके संगीत मंडल करके संगीत मंडल संस्था है, आप भी तो जेवियर गए? जी जी हाँ जी, और संगीत मंडल का भी, संगीत मंडल के हैं ना। हाँ, तो मुझे इंट्रोड्यूस किया था जो ने, जोगिंदर को खुद को खाने का शौक था, गाने का शौक था, तो वो मेरे को ले गया था। तो बाबू, अब हेमंत दा का बेटा जी 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 जी, बाबू वाज देयर, विनोद वाज देयर, विनोद मेहरा, तो ये शबाना भी थी जी। अच्छा, तो ये सर्कल में वहाँ, फिर वहाँ कैंटीन में बैठना, गाना वाना गाना, फिर रात को कहीं बैठना, तो वो उस सिलसिले में वहाँ जाते थे। जोगिंदर मेरे भी दोस्त हैं, अगर से मुझसे 1-2 महीना सीनियर थे, लेकिन मेरे दोस्त 1-2 साल सीनियर थे। तभी आपने इनको पकड़ा है।
तो ये जेवियर्स के दिनों की बातें कर रहे थे जब ये जेवियर्स में आते थे और संगीत मंडल में गाया करते थे। आई रिमेंबर दैट व्हेन ही यूज्ड टू कम टू सेंट जेवियर्स कॉलेज, तो वहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनको इनकरेज करना, उनको हेल्प करना, तो ये तो इनकी खूबियत थी कि सबको बहुत बहुत हौसला अफजाई देनी। तो ही वॉज ऑलवेज देयर संगीत मंडल के अंदर जो शोज हमारे होते थे उनके अंदर ही वॉज वन ऑफ द पिलर्स टू बैक अप एवरीबॉडी, इनकरेज एवरीबॉडी टू सिंग। जवाहर साहब तो खैर आपके फ़ैन हैं, वो कह ही रहे थे और बता रहे थे कि आप एक, मैं इसकी ज़रा पैरवी करवा लूँ जो है ऐसे सोर्स से जहाँ से गलत तारीफ़ होने की उम्मीद ज़रा कम है। चित्रा जी, गुलजार साहब कह रहे थे कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड सिंगर, जगजीत साहब इज़ अ वेरी कम्पिटेंट कंपोज़र। तो आपका चूँकि म्यूज़िक में और ज़िंदगी में बहुत करीबी साथ रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, इज़ ही गिवन टू composition as well? When I started meeting him and started listening to his compositions, बैठ के सुनाता था, मेरे को impress करता था शायद, तो उन दिनों I felt कि this is a marvelous composer. Then धीरे धीरे his voice grew on me. Okay, but I think even today I would say he is a better composer than a singer, but again I'll have to go back on my words because today the way he is singing, I think they are at par. चलो देखिए, बराबर सिखा के लाया घर से, देखो पुराने सब वही बोला है।